मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने क्या करनी है, लिपिड्स को हमने डाइजेस्ट किया था और उसको क्या बनाया था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया था। अब उसको हमने ग्लिसरॉल को कहा था कि वो दोबारा यूटिलाइज होते हैं और उससे एनर्जी बनती है, जिसको बोलते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन, जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। बाकी और मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसको रिसर्च की गई है वो कौन सा है, बीटा ऑक्सीडेशन, और सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन में मेथड यूज होता है वो ये है। अब बीटा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर वन है, उसमें क्या होती है, एक्टिवेशन होती है किसकी, फैटी एसिड की, कि वो फैटी एसिड है उसको हमने एक एक्टिवेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है कि जो आगे रिएक्शन करवा सके। ठीक है, कहाँ पे होती है, साइटोसोल में होती है। साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट होती है किसकी, फैटी एसिड की इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, के वो जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड था वो कहाँ पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि असल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर सोर्स होता है, पावर हाउस होता है एनर्जी का बनाने के लिए सेल में, वहां पे केमिकल्स आते हैं और ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले जाएंगे सारे फैटी एसिड, और फिर वहां पे क्या होगा, अगला स्टेप स्टार्ट होगा बीटा ऑक्सीडेशन। उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का वर्ड यूज किया हुआ है कि बीटा ऑक्सीडेशन का एक नॉर्मल मेथड है, फिर उसी ऑक्सीडेशन में थोड़ी सी अल्टरेशन करके हम क्या करेंगे, फर्दर जो भी हमें डिफरेंट टाइप का कंपाउंड आ रहा होगा उसकी ऑक्सीडेशन में उसको चेंज कर करके लिखेंगे। लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के भी मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है बीटा ऑक्सीडेशन। ये पहले दो स्टेप भी बीटा ऑक्सीडेशन में ही काउंट होंगे कि जब एक्टिवेट किया, ट्रांसपोर्ट किया माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन असल बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, वो थर्ड स्टेप में होगी। पहला स्टेप है अपना फैटी एसिड एक्टिवेशन। फैटी एसिड एक्टिवेशन में क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, कि फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं किसके अंदर, एसाइल कोए में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड में से उसका OH निकाल देते हैं। ठीक है, जो फैटी एसिड है हमारे पास, अगर ये फैटी एसिड है पड़ा, इसके अंदर से हम क्या निकाल देते हैं, OH उसका निकाल देते हैं और उसको कनेक्ट करवा देते हैं किसके साथ, यानी कि जो बाकी हिस्सा बचेगा R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जो बॉन्ड है वो वाला जो हिस्सा है जहां से OH लगा हुआ है, वो वाले बॉन्ड में से OH हटा के और साथ क्या लगा देते हैं, उसके साथ कोएंजाइम ए को अटैच करवा देते हैं। ठीक है, अब कोएंजाइम ए के साथ क्या होता है, उसमें एस ग्रुप होता है, एक सल्फर ग्रुप होता है, जैसे ये OH है ना, उसी तरह के एक SH ग्रुप होता है, उसको थायोल्स बोलते होते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो होगा वो ग्रुप बनाएगा क्या है? उसके साथ एस्टर, और क्या बनेगा, एसाइल एस को ए, या फिर इसके शॉर्ट वर्जन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और वो क्या होती है, एसाइल को ए कहते हैं उसको, ये सबको पता है वो सल्फर के जरिए से अटैच होगा। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल रखना हो तो एसाइल को ए कहते होते हैं, या अगर कॉम्प्लेक्स जैसे थोड़ा सा बुक्स में लिखा हुआ है तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एसाइल एस को ए लिखा हुआ होता है, कि एस को क्या है पड़ा, लिंकेज हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, उसका एंजाइम का नाम क्या है, थायोकाइनेसिस। थायो का वर्ड इस्तेमाल होता है सल्फर के लिए, तो वो सल्फर वाले ग्रुप को यहाँ से तोड़ के इधर से क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ लेगा, यहाँ से उसको हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के और फैटी एसिड के साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, जो सेकंड हमने कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल को ए, किसके अंदर करना है उसको ट्रांसफर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एसाइल को ए को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करेंगे तो वो किसकी वजह से होगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है कि ये जो एसाइल को ए है ये परमिएबल नहीं होता मेम्ब्रेन के साथ अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको गुजारने के लिए हम क्या करते हैं, पहले किसी और चीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर गुजारेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, एसाइल को ए को कैरेटिनिन कैरेटिनिन से जोड़ देते हैं। ठीक है, कैरेटिनिन से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक एंजाइम काम करता है, कैरेटिनिन ट्रांसफरेज वन एंजाइम काम करता है, वो क्या करता है इसको जोड़ के और क्या बनाता है, को ए अलग कर देता है इसमें से निकाल के और एसाइल को इसके साथ जोड़ देता है, कि असल काम हमने क्या करना था, एसाइल को लेके जाना था किधर, आगे ऑक्सीडेशन के लिए। जब ये एसाइल कैरेटिनिन बन जाती है तो फिर क्या होता है, इसको आगे लेके जाते हैं कहाँ पे, अब ये वाली चीज ट्रांसफर हो सकती है कहाँ से कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से, तो वहां पे प्रोटीन कैरियर क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और किधर भेज देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली साइड और ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली साइड, जब अंदर भेज देते हैं तो क्या होता है, वो क्या बन जाती है, एसाइल कैरेटिनिन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली साइड पे आ जाती है, मैट्रिक्स वाली साइड पे जहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होनी है प्रॉपरली, और फिर क्या होता है, को ए वहां पे भी मौजूद होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वहां पे हर जगह पे होते हैं सेल के अंदर,
तो कोएंजाइम ए दोबारा क्या करता है, इसमें से इसको रिमूव कर देता है और साथ वापस अटैच हो जाता है ताकि एक्टिवेटेड एसाइल रहे। ये काम कौन करता है? कैरिनिडिन ट्रांसफरेज 2 करता है और कैरिनिडिन को फ्री करवा देता है और एसाइल को ए को दोबारा रीजनरेट कर देता है कि पहले वाला को ए बाहर रह जाता है, एसाइल इसके साथ अटैच होके यहां से होता हुआ इधर आता है और फिर ट्रांसफरेज 2 इसको फ्री करवा देता है। कैरिनिडिन वापस भी क्या कहां पे आ जाती है, यहां पे वापस भी आ सकती है और दोबारा से रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकती है यही वाले को और पकड़ पकड़ के इस एसाइल को ए को यहां ट्रांसफर करवा देती है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से साइटोसोल में से लेके कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, अब ये एसाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया और अब इसकी क्या करनी है, बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है जो प्रॉपर वाली है बड़ी, कि पहले दो स्टेप कंप्लीट करवा लिए कि वहां तक पहुंचा दिए जहां पे बीटा ऑक्सीडेशन होनी है। अब इसको समरी के तौर पे लिखा है कि अगर आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो हम बताएंगे कि स्पेशलाइज्ड कैरिनिडिन कैरियर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो इस्तेमाल होती है एक्टिवेटेड फैटी एसिड को साइटोसोल में से उठा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देती है। 4 स्टेप्स होते हैं इसमें, एसाइल ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफर होता है किससे, कैरिनिडिन से, और उसका नाम क्या बन जाता है, एंजाइम का नाम क्या है, एसाइल कैरिनिडिन ट्रांसफरेज 1, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हमने उसका नाम पढ़ लिया था, उसका नाम क्या था, एसाइल कैरिनिडिन, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर क्या होता है, एसाइल कैरिनिडिन जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, अक्रॉस द मेम्ब्रेन और कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विद द कैरियर प्रोटीन, वो जो हमने पढ़ा है लास्ट पेज के ऊपर। और फिर एसाइल कैरिनिडिन ट्रांसफरेज 2 जो होता है दोबारा कन्वर्ट कर देता है इसको तोड़ के एसाइल कोए में और कैरिनिडिन फ्री करवा देता है, वो वापस रीजनरेट होकर फिर से रिएक्शन में इस्तेमाल होती है और एसाइल कोए आगे बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। कैरिनिडिन जो रिलीज होती है वो साइटोसोल में दोबारा रियूज हो सकती होगी, ठीक है, जो भी हमने लास्ट में मेंशन किया है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एसाइल को ए होता है जिसके ऊपर हमने क्या करवानी है, बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है एसाइल को ए। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, याद करने का तरीका क्या है इसको, आपने ये वाले सारी सीक्वेंस जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको सीक्वेंस को याद करें, नामों को याद करें, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो पहले ये वाली सारी सीक्वेंस आपने एज सच लिख देनी है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स लिखते जाने हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं बड़े और ये रिएक्शन उसके साथ हुआ। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वो वाले, ये हमारे पास है बड़े एक एसाइल कोए। एसाइल कोए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर ग्रुप होता है, ये सारे का सारा आर ग्रुप है। अब सारा आर ग्रुप है बड़ा, लेकिन हमें उसमें से 2 कार्बन वो है बड़े जो दिखाने हैं जिसपे अल्फा और बीटा वाले रिएक्शन होने हैं जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए बीटा कार्बन तक हमने कार्बन शो करेंगे, पहले इसका एक कार्बन शो करेंगे यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे शो करेंगे और वो कौन सा होगा, बीटा कार्बन होगा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से पहले अल्फा कार्बन और फिर बीटा कार्बन, फिर आगे आर, जितनी लंबी चेन मर्जी हो हमें उससे कंसर्न नहीं है बड़ा, हम सिर्फ किसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन की, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस पे ऑक्सीडेशन हो जाती है जिससे क्या होता है ये टूट जाता है, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है ऑक्सीडेशन होगी सबसे पहला स्टेप। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाएगा, ये एनॉइल को ए बन जाएगा। एनॉइल को ए आपने याद करना है कि एसाइल को ए की ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या बनता होता है, एनॉइल को ए बनता होता है। कैसे एनॉइल को ए बनता होता है, इसके स्ट्रक्चर में से क्या करना होता है, आपने ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हम क्या करते हैं एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देते हैं और इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है इन दोनों कार्बन के दरमियान में, इसको कहते हैं एनॉइल कोए। पहले वाले का नाम एसाइल और एसाइल वाले में सारे सिंगल बॉन्ड थे, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनॉइल कोए, ठीक है, एसाइल के आगे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एनॉइल में, ये वाला स्ट्रक्चर होता है एनॉइल कोए का। एनॉइल कोए का होती है सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही, कोए एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे CH2 रिमूव होके उसमें से एक एक एच निकल गया और सिर्फ एक एच बचा है, ये एच और ये वाला एच, और साथ क्या है, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया यहाँ पे एक, इसको कहते हैं एनॉइल कोए। एनॉइल कोए की क्या होती है, हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड करना, वाटर को हम ऐड करवा देंगे, ऐड करवाने से जो चीज बनेगी उसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए का क्या मतलब होता है, एक तरफ हमने OH ऐड करवाया, एक तरफ हमने
एच ऐड करवाया तो क्या होगा, हमारे पास वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसको देखते हैं किस तरह होता है हमारे पास रिएक्शन, कि इस वाले कार्बन के ऊपर जो एक बॉन्ड खत्म करना है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH, और इसका बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा और इसके बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो इसको OH दे देंगे, इसको H दे देंगे, तो जो आगे चीज बनेगी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, जो अगले नंबर पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, एनॉइल को ए को हटा के इसकी जगह पे मैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए का स्ट्रक्चर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है किसका, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए का। तो अब क्या हुआ, इस कार्बन के पास पहले एक एच था, इसको दूसरा एच दे दिया, ये एच ऊपर लिखा हुआ था इसको नीचे वाली साइड पे मेंशन किया हुआ, और OH यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया, इसका नाम क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। अब इस कंपाउंड की दोबारा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, हमें पता है ऑक्सीजन को क्या करना होता है, वहां पे ऐड करवा देना होता है या फिर हाइड्रोजन्स को रिमूव करवा देना होता है। यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, हम हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे, और कौन सी जगह से रिमूव करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जब ये वाला वो रिमूव होगा, एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इधर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड काम हो जाएगा पूरा करने के लिए। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या बनता है, बीटा कीटो एसाइल को ए बनता है। ठीक है, अब बीटा कीटो एसाइल को ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब डबल तो यूं बन जाएगा वो। ठीक है, यहां से एच निकाल दिया था, यहां से भी एच निकाला और यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे। इसका नाम क्या है, बीटा कीटो एसाइल कोए। बीटा कैसे है अपना, ये कार्बन कौन सी, अल्फा, और ये बीटा, इसके ऊपर कीटो ग्रुप है अपना, यानी कि डबल बॉन्ड ओ कार्बन का, इधर भी आर और इधर इस सारे को हमने कहा कंसीडर किया हुआ है आर। नेक्स्ट क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद थायोलिटिक क्लीविज होगी। थायोलिटिक क्लीविज से क्या बनेगा, दो कंपाउंड बनेंगे, एक एसिटाइल को ए बनेगा, एक एसाइल को ए बनेगा, और नेक्स्ट क्या है, यहां पे ये वाले इस जगह से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, थायोलिटिक क्लीविज होगी। अब वो एंजाइम का नाम है, पर तोड़ेगा और इसको क्या करेगा, दो चीजें बनाएगा। इस वाली जगह पे इसको अगर हम CH3 ये वैलेंसी पूरी कर दें तो ये क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड वाला ग्रुप बन जाता है, तो इसको बोलेंगे एसिटाइल कोए। और इधर आर हमें नहीं पता कितना लंबा हो सकता है, तो इसीलिए आर की जगह पे क्या आएगा, एसाइल कोए, ये खाली एसाइल होगा और कोए एक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसीलिए थायोलिटिक लिखा है कि सल्फर वाला हिस्सा जो होगा कोए एंजाइम ए का, वो यहाँ पे आके अटैच होगा और इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो हमारे बन जाएगा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। ठीक, ये हमारे पास एसिटाइल कोए बन गया और स्टार्टिंग मटीरियल वो जो एसाइल कोए था एक, वो जनरेट हो जाएगा। तो आपने ये सारी सीक्वेंस को याद करना है कि एसाइल कोए ऑक्सीडाइज होके इनऑयल को ए बनाता है, इनऑयल को ए हाइड्रेट होके क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए बनाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो क्या बनाता है, बीटा कीटो एसाइल को ए, और फिर थायोलिटिक क्लीविज यानी कि कोएंजाइम ए जो होता है SH को ए जो है वो आगे क्या करता है, तोड़ता है किसको, एक हिस्से को एसिटाइल को ए बना देता है, दूसरे हिस्से को एसाइल को ए वापिस कर देता है, कि उस लेंथ का हमें नहीं पता कितनी है, अगर पता हो तो फिर उसका नाम भी लिख सकते होते हैं, लेकिन अभी हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ कि एक क्लेविज कैसे होती है, एक बीच में से एसिटाइल को कैसे जनरेट होता है। आगे उसकी समरी मेंशन की हुई है कि समरी में क्या होगा, इसका यही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ साइकिल चलते जाते हैं, बार बार होता जाता है, आखिरकार सारी के सारी चेन खत्म हो जाती है, आर जितना लंबा होता है दो दो कार्बन करके बीच में से कम होते जाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर के अंदर क्या स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला स्टेप है अपना हर बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर एक दो कार्बन यूनिट एसिटाइल कोए रिमूव होता है और फिर नेक्स्ट रिएक्शन चलता जाता है। ऑक्सीडेशन पहला स्टेप है अपना जिसमें एसाइल कोए की ऑक्सीडेशन होती है, कौन से वाली, डिहाइड्रोजिनेशन वाली। एंजाइम का नाम क्या होगा, अगर डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे तो डिहाइड्रोजिनेज होगा, डबल बॉन्ड बन जाता है अल्फा और बीटा कार्बन में। हाइड्रेशन में क्या होता है, इनऑयल को ए हाइड्रेट होता है जो बना था और क्या होता है, उसकी हाइड्रेशन होती है डबल बॉन्ड की और वहां पे OH ऐड हो जाता है। फिर ऑक्सीडेशन होती है किसकी, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए की, वहां पे उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, किससे होगी, वही डिहाइड्रोजिनेशन होगी, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और डबल बॉन्ड बन के बीटा कीटो एसाइल को ए बन जाएगा। ठीक है, और साथ क्या होगा, एक NADPH बन NADH बन जाएगा, यानी कि एनर्जी जनरेट हो जाएगी, क्लेविज होगी फाइनल और वहां पे क्या होगा, दो कार्बन कंपाउंड निकल जाएगा बीच में से एसिटाइल कोए
और वो आगे एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कि होप आपको यहाँ पे तकरीबन क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है। और अगर आप इस फौरन से आपने क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी और लेक्चर हैं वो फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए कब अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आपने बीटा ऑक्सीडेशन के इसके लेक्चर जितने भी हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसा जो तरीका आपको मेंशन किया है कि पहले आपने सीक्वेंस याद करनी है और फिर उन सीक्वेंस के साथ आपने क्या याद करने हैं, उनके फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर उसी को अपने वर्ड्स के अंदर आपने मेंशन कर देना है